सत्यनारायण जी, हाँ जी सर, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी मेंटेन है। अच्छा। और गाड़ी ने लगभग 34,500 किलोमीटर कर लिए है। एक साल से आप गाड़ी को चला भी रहे हैं। हाँ, चला रहा हूँ सर। तो आपने गाड़ी को जो इतना अच्छा मेंटेन किया है, हाँ, इसका क्या राज है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी सर, एक तो इसका टाइम पे सर्विस करवाना, एक दो रोज में हवा चेक करवाना। हवा कौन सी हवा? टायरों की हवा। सारे टायरों की हवा चेक करवाना? हाँ, सारे टायरों की हवा चेक करवाना। ओके। और एयर फिल्टर जो है, इसको डेली में 10 रुपये कंप्रेसर वाले से डेली का मैंने कर रखा है, इसको साफ करवाने के लिए, चाहिए उसमें मिट्टी निकले या नहीं निकले। ओके। फिर भी उसका साफ करवाना, ताकि उसको बराबर सांस मिलती रहेगी तो गाड़ी ओके चलेगी। ओके। जब अपन को जैसे 100 किलोमीटर के दायरे में चलना है, तो उसके जैसे रेस दबाओगे तो रेस काट के चलाओ, अपने आप गाड़ी नहीं दबेगी, गाड़ी उठ के चलेगी। अच्छा, हाईवे के बारे में क्या क्या, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, आप लंबी दूरी तक जाते हैं, कोटा, झालावाड़, तो यहाँ पर किस सावधानी का प्रयोग करते हैं? जैसे सर, मैं 100 किलोमीटर के दायरे में जाता हूँ, तो मैं जैसे 50 किलोमीटर पे जाके स्टॉपेज लेता हूँ 15-20 मिनट का। जैसे वहाँ थोड़ा के इसका ऑयल ठंडा हो जाए, थोड़े टायर ठंडे हो जाए, उसके दायरे में वापस चाय वाय पी के और वापस चल देते हैं। वही आराम से चलो, रेस में चलो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे चढ़ाई आ जाए, तो चढ़ाई के गियर नहीं मांगे, उसके पहले गियर ले लो तो गाड़ी दबेगी नहीं। ओके। और जब गियर मांगते हैं और उसके बाद अपन गियर लेते हैं, तो फिर तो गाड़ी दबेगी, फिर तो अपन को दूर लेके उठाना पड़ेगा गाड़ी, या पला लेके उठाना पड़ेगा। और वरना जैसे टाप में कि अपन को पता लग गया कि इसका थोड़ा दबाव आ रहा है गाड़ी के, तो फिर आप फौरन पहले तीसरा गियर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वैसे तीसरा में उठ के चलेगी। ठीक है, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये आपने बातें बोली कि आप टाइम पे सर्विस करवाते हैं, हवा चेक करवाते हैं, एयर फिल्टर वाले को 10 रुपये रोज देते हैं, डेली देता हूँ। ओके। इसके अलावा हाईवे पे जैसे आपने बताया कि गाड़ी को गियर मांगने से पहले आप गाड़ी को गियर शिफ्ट करते हैं, गाड़ी को आप ब्रेक करके चलते हैं बीच में, इस आई मीन टू से कि गाड़ी को रोक के चलते हैं, ताकि तेल भी ठंडा हो जाए, टायर भी ठंडे हो जाए, उसकी देखरेख हो जाए सर। हाँ, बहुत सही बात कही आपने, बहुत उसके देख रहे। जैसे गाड़ी में कोई भी माल भी भरा है, तो अपन रुकेंगे, चाय पियेंगे, तो उसके बारे में गाड़ी को घूम के भी देखेंगे कि हवा तो कम नहीं है ना, कोई टायर में कंकर तो नहीं है ना। हाँ, सही बात है। अच्छा, इसके इसके अलावा और कोई बात जो आप अपने ड्राइवर साथियों के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ, गाड़ी जिस तरीके से आप ध्यान रखते हैं गाड़ी का, और अच्छा वो अपनी गाड़ी चल सके, कोई और बात आप कहना चाहेंगे इसके? और सर, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि कम से कम गाड़ी को जैसे लंबे से इसके लेके चले अपन, तो उसके बीच में एक जगह की बजाय कि दो जगह अपन देख लेते, तो अच्छी बात है, ताकि गाड़ी अपनी, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी बनती है देखने, कोई दूसरा थोड़ी देखेगा। वैसे मैं आज 12 में आया हूँ, लेकिन मैंने कोटा में आपको कई बार देखा, आप गाड़ी लेके जाते हुए माल के साथ, तो उस टाइम पे भी कोई ऐसा मौका नहीं मिला आपसे बात करने का, पर आज ये मौका मिला आपसे बात करने का, बड़ा अच्छा लगा। आपने जो ये बातें बताई हैं, ये वाकई बहुत सही बात है, ये सही है, तभी तो मैंने आपको मेरे मन की बात बताई ना। हाँ। इस प्रकार से यदि गाड़ी चलाएंगे तो अपन एक साल क्या है, परमात्मा अपन को चलाता रहेगा और अपन चलते रहेंगे। सही कह रहे हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।